Hello everyone, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and neuro surgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. आज जो हमारे पास patient है Mr. यशवंत सिंह, ये नोएडा से हैं और इस केस की एक बड़ी खास बात है, इसलिए मैंने इस केस को प्रेजेंट किया है. इनको 2021 फरवरी 26 फरवरी को मेरा दोपहर में 1 बजे एक्सीडेंट हुआ था. उसी दौरान मैं नजदीक के उसमें हॉस्पिटल में एडमिट हुआ. उन्होंने रात को मेरा ऑपरेशन कर दिया, नेल डाल दी थी. उसके 2 महीने बाद उन्होंने बोला हल्का फुल्का वेट डालना स्टार्ट कर दीजिए. जैसे मैंने वेट डाला तो रोड टूट गई मेरी. रोड टूटने के बाद इन्फेक्शन हो गया. उन्होंने मेरे उस रोड टूटी पे उन्होंने मेरे को पलस्तर कर दिया और उसके 1 महीने 18 दिन बाद पस आना स्टार्ट हो गया उससे. फिर मैं वहाँ पे गया, उन्होंने बोला यहाँ पे ओटी बंद है. फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल गया, उन्होंने मेरे को वो नेल रिमूव करी और क्या कहते हैं फिक्सेटर लगा दिया, बाहर वाला फिक्सेटर जो होता है. और उसके बाद में उन्होंने 2 महीने बाद मेरे को बोन ग्राफ्टिंग कर दी. फिर भी पस बंद नहीं हुआ. उसके बाद में पस आने लगा. फिर मेरे को पता चला डॉक्टर सुनील सैनी के बारे में. फिर मैं इनके पास आया हूँ, तब से मुझे काफी आराम है. अभी तो इनका क्या हुआ था कि लास्ट ईयर, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उस समय है आज 23rd February 2022. इनको 25 फरवरी 2021 के अंदर एक्सीडेंट हुआ. ये ओपन फ्रैक्चर था, ओपन फ्रैक्चर पे नेल लगा दी गई. इंट्रामेडुलरी वो इन्फेक्टेड हो गया. फिर दूसरे हॉस्पिटल गए, उन्होंने एक्सल फिक्सेटर लगा दिया ट्यूबुलर वाला. उसके बाद इनको बोन ग्राफ्टिंग कर दी गई, उसके प्लास्टर लगा दिया गया और संभव ये पूरा इन्फेक्टेड हो गया. और इन्फेक्शन होने के बाद कई हड्डी जुड़ी नहीं और कंटिन्यूसली पस डिस्चार्ज था. अगर मैं इनके शुरू में जब ये मेरे पास आए तब वो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ साइड में, उस फोटो में देखेगी किस तरह से वहां से वो घाव था, वो घाव कंटिन्यूसली पस निकल रही थी. सो इट इज अ केस ऑफ इन्फेक्टेड नॉन यूनियन. किसी भी हड्डी को 6 से 9 महीने मैक्सिमम जुड़ जाना चाहिए. टीबिया के लिए 9 महीने मैक्सिमम बोलते हैं. अगर बीच में भी नहीं जुड़ी है तो इसका मतलब वो इन्फेक्टेड नॉन यूनियन, नॉन यूनियन में चली गई है. और ये अलग टाइप की नॉन यूनियन है जिसपे इन्फेक्शन भी हो गया, साथ में इनको पस डिस्चार्ज कंटिन्यूसली आ रहा था. जब मेरे पास आया तो मैंने 2 सिटिंग के अंदर ऑपरेट करने की डिसाइड किया कि पहले मैं थोरली डिब्राइड करूंगा इस पूरे के पूरे घाव को जहां से इनका इन्फेक्शन आ रहा था. जो डेड बोन हो चुकी है उस डेड बोन को निकालूंगा. कुछ इन्होंने ग्राफ्ट भी डलवा रखा था पहले, वो ग्राफ्ट को हमें निकालना था. उस सारे को थोरली डिब्राइड करना था. अगर आप पुराना एक्सरे देख सको तो साइड में आपको एक्सरे दिख रहा है जिसके अंदर पूरी की पूरी बोन यूनियन नहीं हुई है किसी भी तरीके से और अच्छा खासा पस डिस्चार्ज वहां से कंटिन्यूसली आ रहा. तो हमने सबसे पहले इसको डिब्राइड किया, थोरली डिब्राइडमेंट किया. थोरली डिब्राइडमेंट के बाद बोन डिब्राइडमेंट किया, बोन को एक्साइज किया. बोन एक्साइज करने के बाद वी हैव अप्लाइड इलेजर और फिक्सेटर. हमने इलेजर और रिंग फिक्सेटर लगाया. ये बहुत ही वर्सेटाइल थिंग होती है. इलेजर इज आंसर टू एवरी नॉन यूनियन. डिफॉर्मिटी हो, किसी को पैर टेढ़े हो जाए, उन सबके लिए ये एक आंसर है. सो हमने इलेजर और रिंग इनको लगाया है, बोन पूरा का पूरा. अब ये मेरे पास 1 महीने ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया. एक महीना हो गया हमने वेट किया है. और ये पूरा का पूरा घाव जो पहले इसमें से पस डिस्चार्ज था ये कंटिन्यू कब से बंद हो चुका है इसमें से? ये 15 दिन हो गया. 15 दिन से कुछ भी इसके अंदर से नहीं आ रहा है. वी हैव रिपीटेड द ESR CRP. ESR नॉर्मल है, 1 से 1 रेंज का CRP और ESR भी बिल्कुल नॉर्मल है. तो देयर इज नो ब्लड पैरामीटर्स में भी कोई ऐसा इन्फेक्शन के साइन नहीं है. आज जो हमारी प्लानिंग है वो ये है कि हम लोग आज अब इनको बोन ट्रांसपोर्ट के लिए जाएंगे. क्योंकि आप एक्सरे में देख सकते हैं कि आफ्टर डिब्राइडमेंट लगभग 4 सेंटीमीटर का गैप अब बन चुका है. अब हम क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर के गैप को भरने के लिए? प्रॉक्सिमल ऑस्टियोटॉमी. टीबिया के अंदर ऊपर की तरफ हड्डी में कट लगाएंगे. सो ये प्रॉक्सिमल और इन दोनों रिंग के बीच में यहाँ पे जाऊंगा ऐसा हो. यहाँ पे हम इंसिजन देते हुए जाएंगे और यहाँ से हड्डी में कट लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोटॉमी. और कॉर्टिकोटॉमी करने के बाद हम बोन ट्रांसपोर्ट यानी कि हमें इन नट्स को घुमाना होता है और 1 mm पर डे हम बोन ट्रांसपोर्ट करेंगे. लगभग 4.5 सेंटीमीटर का एक गैप है तो इट विल टेक 45 डेज. और क्योंकि कॉर्टिकोटॉमी करने के बाद हम ये 7th to 10th day स्टार्ट करते हैं. यूजली 7 डे हम डिस्ट्रेक्शन स्टार्ट करते हैं. तो ये टोटल वो करने के लिए लगभग आपको 50 to 55 डेज की रिक्वायरमेंट होगी. यानी कि 55 दिन के अंदर मैक्सिमम 2 महीने के अंदर मुझे उम्मीद है कि दोनों के दोनों हड्डियां ये गैप खत्म हो जाएगा और इधर से जो नई बोन फॉर्म होके आएगी इसी को हम बोलते हैं रीजनरेट. सो आज हमारा प्लान है कॉर्टिकोटॉमी एंड एडिशनल एक और रिंग लगाएंगे इसके अंदर. सो कॉर्टिकोटॉमी करने के बाद वी विल गो फॉर बोन ट्रांसपोर्ट. बोन ट्रांसपोर्ट करेंगे तो दी बोन ट्रांसपोर्ट मैं ये बताना चाहता था कि बोन ट्रांसपोर्ट इज द मेन टेक्निक. कॉर्टिकोटॉमी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है. कॉर्टिकोटॉमी करने के बाद हम बोन को
ट्रांसपोर्ट करेंगे और न्यू बोन फॉर्मेशन आ जाएगा जिसकी वजह से ये गैप कम आए। यही इलिजारो टेक्निक का सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी है। इलिजारो की सबसे खास बात यही है कि अगर आपको किसी भी तरीके की हड्डी नहीं जुड़ी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी हड्डी नहीं जुड़ी है जिसको हम कहते हैं नॉन यूनियन, या इन्फेक्शन की वजह से नहीं जुड़ी, इन्फेक्टेड नॉन यूनियन, या आपकी हड्डी टेढ़ी मेढ़ी जुड़ गई है, या फिर आपकी हड्डी में गैप बन गया है, या आपका पैर छोटा बड़ा रह गया है, आपकी इन्फेक्शन की वजह से पैर, एक पैर छोटा एक पैर बड़ा हो गया है, तो उन सब चीजों को करेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इलिजारो। इलिजारो से उन सबको ठीक कर सकते हैं, कॉर्टिकोटॉमी करेंगे, कॉर्टिकोटॉमी से बोन को ग्रोथ करा सकते हैं, यानी कि नई बोन भी फॉर्म हो सकती है विद द हेल्प ऑफ कॉर्टिकोटॉमी, रिंग फिक्सेटर एंड डिस्ट्रेक्शन। ये एक टेक्निक है जो बहुत पहले से ही चलती आ रही है। तो अगर आपको किसी भी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपके साथ वालों में किसी ऐसी प्रॉब्लम है, आपके जानने वालों में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसके अंदर उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाने के बाद इन्फेक्टेड हो गई है, जुड़ नहीं रही है, या फिर वो टेढ़ी जुड़ गई है, या फिर वो पैर छोटा बड़ा रह गया, इन सारी कंडीशंस के लिए हम इलिजारो फिक्सेटर लगा सकते हैं। और ये बहुत ही आपको भी तकलीफ हो रही है इसको? नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं, अच्छे से। बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं, सर्जन भी बोलते हैं कि इलिजारो इज वेरी कंबर्सम टू द पेशेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कंफर्टेबली एक महीने से लगा हुआ, कंफर्टेबली इसको मैं अपना खुद लैट्रिन बाथरूम जा सकता हूँ, वो खुद जा सकते हैं। हमने नेक्स्ट डे आपको चला दिया था। अभी हमने वेट बेरिंग नहीं डलवाया है, आगे से हम इसको वेट बेरिंग भी कराएंगे, और कॉर्टिकोटॉमी के बाद में एक एक्सरे आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर हमें पोस्ट कॉर्टिकोटॉमी क्या कर रहे हैं वो भी इसके अंदर दिखाएंगे। अभी हमने इनकी कॉर्टिकोटॉमी कर दी है, वो भी आप देख सकते हैं सीआम के अंदर, नजदीक लेके दिखा रहा हूँ। सो इधर, सो वी हैव डन कॉर्टिकोटॉमी इन प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर कॉर्टिकोटॉमी कर दी है, फुट फ्रेम हमने लगा दिया है और ये भी फिक्स कर दिया है, और ऑलमोस्ट 4 to 5 centimeter का गैप है। अब 7 days के बाद वी विल स्टार्ट बोन ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करेंगे, उसमें ये हर डेली 1 mm की लेंथनिंग होती चली जाएगी और धीरे 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 ये हड्डी एक दूसरे के नज़दीक आती चली जाएगी, ऊपर जो नई बोन फॉर्म होगी उसको कहते हैं रीजनरेट न्यू बोन फॉर्मेशन। सो इस तरीके से ये हड्डी प्रॉपर तरीके से जुड़ जाएगी और हम इनको कल से ही चलाना स्टार्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ वॉकर। अगर पेन काफ़ी कम रहा तो फिर हम इनको वेट बेरिंग भी स्टार्ट कराएंगे, जबकि पेशेंट काफ़ी समय से वजन नहीं डाल पाया है पैर पे, तो कल से मैं कोशिश करूंगा कि इनको वेट बेरिंग भी करा सके। सो फ्रेंड्स, इलिजारो एक ऐसी सिस्टम है जिसके थ्रू हम बहुत सारी ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपको, आपके रिलेटिव को, आसपास में किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है कि इसकी हड्डी में फ्रैक्चर हुआ था लेकिन वो अभी तक जुड़ नहीं पाई है, बहुत लंबा समय ले चुकी है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर हड्डी टेढ़ी मेढ़ी जुड़ गई है, या फिर हड्डी पुरानी इन्फेक्शन की वजह से छोटे बड़े हो गए, या पैर छोटा बड़ा हो गया, ऐसी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे अपने एक्सरे MRI CT स्कैन हमें भेज सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। मैं सारे एक्सरे MRI CT स्कैन जितने भी होते हैं उनको सब मैं खुद व्यू करता हूँ, देखने के बाद ही मैं सारी चीज़ों को रिप्लाई करता हूँ, और आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।